माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेंटल होम के लिए आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और हम देखने वाले हैं पोर्टेबल मल्टीपर्पस स्टोरेज जो कि सेल्फ काइंड हमें दिए गए हैं, तो हम अपने हाथ से उसे बना सकते हैं, जब चाहे तब उसे वापस से निकाल सकते हैं और छोटी सी जगह में ये आ जाता है। तो जब रेंट के जो होम होते हैं वो हमें बार बार चेंज करना पड़ता है, तो हमें कुछ ऐसा हैंडी ही चाहिए कि जो हम अपने साथ ले भी जा सके और उसमें यूज़ कर सके, और सबसे बड़ी बात कि ज़्यादा हमें इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो ऐसी ही एक प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट पर से ऑर्डर की है, हम आज उसे देखेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसी लगी और आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पैकेजिंग दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमें रिसीव हुआ है और मैंने ये सिर्फ फ्लिपकार्ट पर से ही परचेज़ किया है। खोल के देखते हैं कि अंदर से ये कैसा है। तो खोलते ही हमें यहाँ पर इस तरीके से, खोल के दिखाती हूँ मैं, ऐसी मेटल की रोड दी गई है और अंदर कुछ है वो भी देख लेते हैं। और ये हमें मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर किया था इसलिए ये इसके साथ ऐसा फैब्रिक मिला है हमें, और बाकी हमें ऐसे ये इसके कनेक्टर्स मिले हैं। आगे में आपको समझ आ जाएगा कि ये सारी ही चीज़ें हमें कैसे यूज़ करना है। तो ये मिला है और भी कुछ है और एक ये वाली हमें रोड मिली है, मेटल की भी है ये, इसे भी खोल के देख लेते हैं। ये थोड़ी सी छोटी है और आगे जो दिखाई थी वो थोड़ी सी बड़ी है, दोनों ही दिखा देती। आगे हम इसका यूज करके बनाकर देखते हैं कि कैसा बनता है और क्या क्या है इसमें। ओके, और यहाँ पर हमें ये कैसे ऑपरेट करना है वो भी दिया गया है। सबसे पहले तो ये जो लंबी वाली मेटल की स्टिक है वो यहाँ पर हमें 20 मिल जाती है। उसके बाद ये जो छोटी वाली है वो यहाँ पर हमें 16 मिल जाती है। और ये जो फैब्रिक दिया गया है वो 8 पीसीस है। एंड यहाँ पर जो लेयर फैब्रिक है, यानी कि इसमें 2 काइंड का फैब्रिक है, तो वो 5 है। और ये जो कनेक्टर्स हमें दिए गए हैं वो 10 है। सब कुछ ही यहाँ पर मेंशन है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगी पास में जिससे आप इजीली देख पाए। और इसमें बताया भी गया है कि इसे कैसे फिक्स करना है। आगे मैं आपको करके भी दिखाती हूँ जिससे आपको इजीली पता चल जाए कि इसे कैसे फिट करना है और कैसे ये पूरा एक सेल्फ बनेगा। बट उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि इसमें डिफरेंट और 3 कलर अवेलेबल्स है। अगर आप बच्चों के लिए ऑर्डर कर रहे हैं तो इसमें बेबी पिंक है, और बेबी पिंक में तो मटेरियल जो है उसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह भी बना हुआ है। तो आई थिंक एक बेबी पिंक कलर है, दूसरा एक और पिंक है, ग्रे है, और बाकी ये ब्लैक कलर है जो कि मैंने अभी ऑर्डर किया है। और ये जो चीज़ है उसे आप एज ए बुक सेल्फ यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों का कोई छोटा मोटा सामान रखना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, मेकअप का कुछ स्टफ रखना है तो आप उसमें रख सकते हैं। जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल है। अगर आपको 4 का सेट चाहिए तो 4 सेल्स मिल जाएंगे, अगर 5 का चाहिए तो 5, 9, 10, 12 जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा उन हिसाब से उसे बनाया गया है और आप उसे ऐसे ऑर्डर कर सकते हैं ना। यहाँ पर इसका जो मटेरियल है वो मेटल का मटेरियल है और ये जो कनेक्टर्स बने हुए हैं वो प्लास्टिक का मटेरियल है। यहाँ पर अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो ये पूरा ही आई थिंक 40 kg तक, यानी कि 40 kg तक ये उठा सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं कि कितने छोटे से डिब्बे में ये हमें रिसीव हुआ है। जब हमें इसे किसी और जगह भी ले जाना है तो हम इसे बहुत ही इजीली मूव कर पाएंगे, तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी हम इसे बनाकर देखते हैं कि ये कैसा है। अगर प्राइस की बात करूं तो ये 850 रुपीज़ का है, यानी कि हम इतना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रोडक्ट की लगी कि ये लोकल फॉर वोकल, यानी कि हमारा इंडिया का प्रोडक्ट है तो ये सबसे अच्छी बात है कि ये मेड इन इंडिया है। बाकी हम आगे इसे बना के देखते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है, पूरा ही लगाती हूँ और मैंने उसे कैसे मतलब रखा है वो भी एंड में आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको डेमो पार्ट देखने के बाद पता चल जाए कि ये कैसा लग रहा है। नाउ अब हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये वाले जो कनेक्टर्स दिए गए हैं और इसमें ऐसे चार हॉल बने हुए हैं, तो ये जो लंबी वाली स्टिक है वो हमें इसमें यहाँ पर लगा देनी है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का अभी दिख रहा है। और उसके बाद हमें ये जो मटेरियल दिया गया है वो यहाँ पर हमें फिक्स करना है। तो यहाँ पर दो एंड्स पे ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे डाल देंगे। दोनों ही हमें थोड़ा साथ में डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ऐसे करके डाल देती हूँ। सबसे पहले ये हो गया, ओके। तो ये दोनों ही मैंने साथ में डाल लिया है। उसके बाद आपको इसे ऐसे इजीली अंदर ले जाना है, जिससे ये जो बीच की जो दो दिख रही है उसको सपोर्ट मिल जाएगा और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा नीचे का जो पार्ट है वो बन चुका है। नाउ अब हम ये जो दूसरा एंड है उसे भी एक और ऐसा कनेक्टर लेके उसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये जो चार है वो हम इसमें फिक्स कर देंगे इस तरीके से। लगाने के टाइम आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम करना पड़ेगा। एक बार ये बन जाएगा तो उसके बाद बहुत ही इजी रहेगा। तीसरा भी मैं डाल रही हूँ, ओके। तीन चले गए, ऐसा घुमाना पड़ेगा तो ये फिट हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा ही इस तरीके से रेडी हो चुका है। आपको सारे ही पहले ऐसे रेडी कर लेने हैं और उसके बाद ये जो छोटा वाला पोर्शन है वो भी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाले पार्ट्स जो है वो रेडी कर लेती हूँ। तो अब मैंने ये सारी ही प्लेट्स बना ली है, ये वाली। और अब आगे हमें ये जो थोड़ी सी छोटी वाली रोड दी गई है उसे हम यहाँ पर ये लास्ट तो अब हमें यहाँ पर और फैब्रिक दिया गया है। ये वाला ये थोड़ा सा छोटा है, पहले जो था इससे ये थोड़ा सा छोटा है और इसे हमें यहाँ पर ऐसे फिट करना है। सबसे पहले क्योंकि ये नया है तो इसे थोड़ा सा खोल देती हूँ और उसके बाद हम इसमें इसे डाल देते हैं। एक एंड फंसा दिया और ये दूसरा, और आपको बस ये अंदर ऐसे ही डाल देना है। यस, देखिए कितना इजी भी ये फिट हो गया। ओके, और अब इस तरफ यस। नाउ पहले से हमने ये जो रेडी करके रखा है इसे हमें इसके ऊपर फिट कर देना है ऐसे। आ गया है। इसके बाद ये दूसरा ये भी आ गया है। ये चौथा। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये हमारा एक सेल्फ बन चुका है। और बाकी के भी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये साथ में कैसे दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बनने के बाद ये एकदम ही अच्छा लग रहा है। पूरा ही मैट फिनिशिंग दिया गया है हमें यहाँ पर, तो दिखने में भी मतलब ठीक ठाक दिखता है। अगर इतने पैसे में हमें लुक प्लस स्टोरेज मिल रहा है तो आई थिंक ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और उसमें लिखा था कि आप इसमें 40 kg तक का सामान जो है वो रख सकते हैं। बहुत सारे मतलब पिक्चर्स देखे थे मैंने नीचे, तो कुछ लोगों ने इसे किचन में यूज़ किया था, कुछ लोगों ने बुक्स के लिए यूज़ किया था। तो आप आपका जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर रेंटल होम के लिए आप इसे लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा स्टोरेज मिल रहा है, तो हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको जल्दी ही, बट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।